ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टूडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई है। ठीक है, आज क्या बनाया है हमने कि सोलर पैनल से हमारे पास 19 वोल्ट आते हैं, जबकि कोई भी इन्वर्टर को चलाने के लिए या 12 वोल्ट को डिवाइस चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट डीसी अप्लायंस के लिए 12 वोल्ट चाहिए होते हैं। सोलर पैनल से डायरेक्ट चलाएंगे तो हमारी डिवाइस ख़राब हो जाएगा, जो कि 12 वोल्ट पे चलता है, 12 वोल्ट पे चलता है। तो अब हमने क्या करा है, यहाँ पर बहुत ही सस्ता सा सेटअप बनाया है, और जिसकी हेल्प से हम 12 वोल्ट 15 एम्पियर तक की डिवाइस को चला पाएंगे डायरेक्ट सोलर पैनल से। ठीक है, और जो मैंने बनाया है इसकी कॉस्ट आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 रुपये या 40 रुपये जाएगी, यानी कि 50 रुपये के अंदर अंदर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट सोलर से सप्लाई आ रही है और इसमें जाएगी डिवाइस में, यहाँ एम्पियर देखिएगा कितना एम्पियर बनेगा, और उसके बाद ये बाइक का हेडलाइट का बल्ब जलेगा। ऑन करता हूँ, ये देखिए बाइक का हेडलाइट का बल्ब ऑन हो गया, फुल ब्राइट जल रहा है। ये आप देख सकते हैं 4 एम्पियर ही कंज्यूम कर रहा है, ये देखिए 4 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और फुल बढ़िया से जल रहा है। अभी मैं आपको वोल्टेज भी दिखाऊंगा, आउटपुट में कितनी वोल्टेज आ रही है, और ये है आउटपुट की वोल्टेज, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मल्टीमीटर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट में एग्जैक्ट 12 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आउटपुट वाली पोर्ट पर लगाऊंगा, ये देखिए तो एग्जैक्ट 12.1 वोल्ट मिल रहे हैं आउटपुट में। और अब ये इस तरीके से आउटपुट कनेक्ट कर दी, बल्ब हमारा फुल जल रहा है, और देखिए 4 एम्पियर से ये हमारा 4 एम्पियर यूज़ हो रहा है और चल रहा है। छोटा सा सिस्टम है, थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आप लोग को, क्योंकि फिर मैं इसको अपग्रेड करके 30 एम्पियर तक का सिस्टम बनाऊँगा। अभी देखेंगे, ये देखिए मैंने एक तो यूज़ करा है, ये इस आईसी को आप सब जानते हैं, ये देख सकते हैं ये आईसी है 7812 IC, और इस आईसी को सब जानते हैं, और इस आईसी को डायरेक्ट इससे लोड नहीं चला सकते, क्योंकि डायरेक्ट इससे केवल और केवल 1 एम्पियर ही चल पाएगा, और उसके बाद ये काफ़ी हीट हो जाती है। ठीक है, इस हमारे इस सिस्टम में इस आईसी पर अगर हीट सिंक नहीं भी लगाएंगे तो भी ये वर्क करेगी, क्योंकि हमारा आईसी से पावर तो यूज होगी ही नहीं। ठीक है, इस आईसी के बाद जो मेन डिवाइस है, जहाँ से मेन पावर मेन करंट गुजरेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा लोड पड़ेगा, वो ये है। यहाँ पर मैंने यूज़ करा है 2N3055 पावर ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी कि आईसी से बस 12 वोल्ट का सिग्नल आएगा इस ट्रांजिस्टर में, और ये ट्रांजिस्टर आउटपुट में 12 वोल्ट के साथ और मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यानी कि इस आईसी का काम बस सिग्नल ही देना हुआ कि 12 वोल्ट की आउटपुट मिले, और बाकी काम इस ट्रांजिस्टर का होगा, और इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को बड़ी हीट सिंक, अच्छी हीट सिंक और अच्छा फैन ही चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक बॉक्स में बंद करूंगा, जिसमें वेंटिलेशन के लिए एक फ़ैन लगा होगा, और फिर मैं आप लोग को इससे ज़्यादा लोड 10 एम्पियर का लोड चला करके दिखाऊंगा। ठीक है, छोटा सेटअप है, वायरिंग भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे इसे बनाना है, क्योंकि इसका डायग्राम भी बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊँगा, और कनेक्शन भी बहुत ईजी है। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये चला के दिखाया। इतनी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, और मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं कि 10 एम्पियर तक के लिए, 15 एम्पियर तक के लिए इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने 50 रुपये के अंदर ही बना लिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।